नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे बिल्कुल बेसिक से। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कौन कौन से रूल हैं जो केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन को लिखते समय हमें याद होने चाहिए। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के बारे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड। कि केमिकल रिएक्शन एक चेंज है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, यानी नया सब्सटेंस बनता है। आप इस एग्जांपल को दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आप सिंपली डेफिनेशन लिख के कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए जिससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। यह एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का कि जब हम जिंक ZnO होता है, जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है डाइल्यूट फॉर्म में, जब हम इनको रिएक्ट कराते हैं यानी इनकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ZnSO4 प्लस H2। H2 गैस अलग निकल जाती है और ZnSO4 ये एक्वस में आ जाता है। ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब आप इसी से समझिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो है प्रोडक्ट्स। इस तरह से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को भी सिंपली बता सकते हैं इसी एग्जांपल के माध्यम से कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं एरो से, जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट्स। तक हमने एग्जांपल्स के माध्यम से समझा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स, तो आपको उनकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन। इनको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स को हम सिंपली बता सकते हैं द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। कि वो सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं यानी पार्टिसिपेट करते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन, द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी जब एक रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन के होने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं यानी जो भी सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। यानी आप प्रोडक्ट्स को ध्यान से समझिए, द सब्सटेंसेस की वो सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्मड जो बनते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी जो एक रिएक्शन के रिजल्ट के बाद बनते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। आप इनको सिंपली समझिए कि रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या पार्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन के होने के बाद बनते हैं यानी रिएक्टेंट से बनते हैं प्रोडक्ट्स। अब आप समझिए कि Zn और H2SO4 ने इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, ये यानी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इन्होंने ये कहलाएंगे रिएक्टेंट्स क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और इन दोनों के रिजल्ट से मिलकर बना है ये होगा प्रोडक्ट्स जो राइट हैंड साइड में है। ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वो रिएक्टेंट्स और जो राइट हैंड साइड में वो प्रोडक्ट्स। आप सिर्फ समझिए कि रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो पार्ट लेते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, और प्रोडक्ट्स जो रिएक्टेंट्स से बनते हैं यानी जो रिजल्ट से बनते हैं रिएक्शन की उनको कहते हैं हम प्रोडक्ट्स। और इस तरह से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को भी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल इक्वेशन भी एक सिंपल कांसेप्ट है जिसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि अ केमिकल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूलाए ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आप सिंपली समझिए कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और किस तरह से रिप्रेजेंट करती है केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शंस को, उनके केमिकल सिंबल्स और उनके फॉर्मूला की फॉर्म में। यानी हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को, यानी जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हम उन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को उनके केमिकल फॉर्मूलाए यानी केमिकल फॉर्मूला और सिंबल्स के द्वारा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होती है केमिकल इक्वेशन। आप इसको इस एग्जांपल से समझिए कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि जब एक मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट करेगा, एयर में जो ऑक्सीजन होगी उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जब हम मैग्नीशियम के सिंबल जो होता है Mg को यूज करेंगे और ऑक्सीजन की जगह हम O2 को यूज करेंगे,
तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो लिखा जाता है MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा जाता है MgO के द्वारा। तो जब हम इनका यूज कर इस रिएक्शन को लिखेंगे तो ये कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, अगर क्वेश्चन है शॉर्ट यानी एक नंबर का तो आप सिर्फ डेफिनेशन दीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन है दो या तीन नंबर का तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन दीजिए और उसके बाद किसी भी एक एग्जांपल से इस तरह से लिख के उसको समझा दीजिए, जिससे आपके मार्क्स पूरे आएंगे। हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे की केमिकल इक्वेशन को लिखते समय हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में डायरेक्ट भी आ जाता है कि वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखते समय। सबसे पहला रूल है इट मस्ट रिप्रेजेंट ट्रू केमिकल चेंज या फिर रिएक्शन, कि जो एक केमिकल इक्वेशन होती है यह जरूरी है कि एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करे किसी ट्रू केमिकल चेंज को या ट्रू केमिकल रिएक्शन को। सेकेंड है इट मस्ट बी बैलेंस्ड एंड इन्फॉर्मेटिव, कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है यह जरूरी है कि वह बैलेंस्ड हो और वह इन्फॉर्मेटिव हो। थर्ड है द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ देयर सिंपल सेट फॉर्मूला, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं वो लिखे होने चाहिए उनके सिंबल्स के फॉर्म में या फिर उनके फॉर्मूला के फॉर्म में। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हम लिखते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में वो लिखे होने चाहिए उनके फॉर्मूला की फॉर्म में या फिर उनके सिंबल्स की फॉर्म में। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कि यानी जितने एटम रिएक्टेंट्स की साइड होंगे उतने ही एटम बाद में प्रोडक्ट्स की साइड होने चाहिए। इसका मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट के जितने कि किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम हैं वो दोनों साइड सेम होने चाहिए इक्वेशन में। आप इस पॉइंट को सिंपली समझिए कि आप जितने एलिमेंट के एटम को एक साइड लेंगे यानी रिएक्टेंट साइड जितने होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सिंपली समझिए कि आपने रिएक्टेंट साइड H2 लिया और जब हम इसको प्रोडक्ट साइड ले गए, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई केमिकल इक्वेशन या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो जब हम इसको प्रोडक्ट की साइड ले गए तो ये नहीं होना चाहिए कि H यहाँ पे थे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे किसी भी तरह से 4 हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर इधर 2 हाइड्रोजन थे तो इधर भी 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे, यानी जितने हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड थे उतने ही प्रोडक्ट साइड रहेंगे, तभी हमारी केमिकल इक्वेशन सही मानी जाएगी। ये कुछ रूल हैं जो हम केमिकल इक्वेशन को लिखते समय पक्का याद रखते हैं। और भी बहुत से रूल हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं उनको दोबारा से बता देता हूँ कि एक सिंपल रूल है कि जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसको भी आप सिंपली समझिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का साइन जरूर होता है, कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं और उनसे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे तो इनके बीच में ये एरो का साइन जरूर होना चाहिए किसी भी केमिकल इक्वेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।